अरे भाई लोग, आई होप सभी लोग अपने अपने घरों में दंदना रहे होंगे। तो दोस्तों, नोरा फतेही की तरफ से हमें एक और शानदार सॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है, जो कि उन्होंने टी सीरीज के साथ मिलकर बनाया और काफी अच्छा में काम किया गया है। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस सॉन्ग में स्टोरी लाइनअप काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया है और इस सॉन्ग के लिरिक्स भी लाजवाब है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सॉन्ग थोड़ा थोड़ा सिमिलर है तितलियों से। तितलियां सॉन्ग भी रिवेंज के ऊपर बनाया गया था और इस सॉन्ग में भी नोरा फतेही अपने लव पार्टनर से रिवेंज लेते हुए दिखाई देती है। सॉन्ग के साथ साथ काफी अच्छी स्टोरी को भी एग्जीक्यूट करके दिखाया गया है, जो कि सब व्यूअर्स को समझ में आ जाता है कि क्या क्या चल रहा है सॉन्ग के अंदर। दोस्तों, इस सॉन्ग की सबसे खास बात तो ये है, ये टी सीरीज की तरफ से बनाया हुआ बेस्ट सॉन्ग माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसमें नोरा फतेही एकदम अलग अंदाज में दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले वो जानी जाती थी अपनी सेक्सीनेस और बोल्डनेस के लिए, लेकिन इसमें वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आई है, जो कि उनका लुक काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, टी सीरीज का कोई सॉन्ग आए और वो यूट्यूब पर नंबर वन ट्रेंडिंग पर ना हो, ऐसा नहीं है। इस सॉन्ग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिन के अंदर अंदर इसने 21 मिलियन प्लस व्यूज भी कमा लिए हैं और इसी के साथ दोस्तों के ऊपर 1 मिलियन से ऊपर लाइक्स भी आ गए हैं। तो ये सॉन्ग अलग लेवल का होने वाला है, छोड़ देंगे। सॉन्ग के अंदर नोरा फतेही का साथ निभाया है एहान भट्ट ने, काफी अच्छा सॉन्ग है। दोस्तों, इसकी स्टोरी बेशरम गाने को भी टक्कर दे रही है। इन दी एंड मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा, जाइए यूट्यूब खोलिए, छोड़ देंगे सर्च कीजिए और इस गाने को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। फिर मेरे पास आके कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बताइएगा अपना अपना, आप लोगों को ये गाना कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई इंडियन बॉय आप लोगों से अलविदा लेना चाहेगा। पीस आउट। ख्याल है इस पूरी फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।